प्रोग्रामर इंस्टॉलेशन करते समय मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से प्रोग्रामर कनेक्ट हो ही नहीं पाता है? ठीक है, आपके कंप्यूटर पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ ये कनेक्ट कर रहे हो लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो पाता है, उसमें बताता है नॉट कनेक्टेड, चाहे ड्राइवर भी आपने डाला हो। वजह क्या होती है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या वजह होगी जिसके वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पाता है? सबसे पहले मैं वो करके बता रहा हूँ जो आप गलती करते थे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंस्टॉल कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर को। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिंक कॉपी पेस्ट करेंगे, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से ये ले सकते हैं ये लिंक। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी, ये मैंने कंट्रोल सी दबाया और आपको गूगल पे जाके ये जो एड्रेस बार है वहाँ पे ही ये एड्रेस बार है और ये सर्च, ठीक है, सर्च इंजिन है गूगल का और ये एड्रेस वाला, आपको एड्रेस मालूम है तो आप कंट्रोल वी कर दो यहाँ पे डायरेक्टली और यहाँ पर ये साइट खुल जाएगी। ठीक है, अब ये साइट खुलने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर चाइनीज़ में, ये इंस्टॉलेशन फाइल्स सब कुछ इसी में है। ठीक है, आई फॉर इंस्टॉलेशन, हमने इंस्टॉल करने के लिए ये साइट पे जाना है पहले। ओके, अब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश, ठीक है, हमने इंग्लिश को दबाना है। इसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, RT-809 HSE वर्जन एक्सप्लेनेशन। ओके, कैसे करना है वो सब कुछ दिया है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, अभी पहले हम RT-809F प्रोग्राम जो कि 30/8/2022 का है उसे आपको डाउनलोड करके बता रहे हैं। डाउनलोड बटन ये है, ठीक है, आपको ये दबाना है। ओके, ये यहाँ पे तू नज़र रखना कि सही है कि नहीं, मैं स्क्रीन पे ही नज़र है मेरी। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड बटन दबाना है आपको। ठीक है, अब देखो ट्रांसलेट दिस पेज आप कर सकते हो, ऑलवेज कर दो ट्रांसलेट दिस पेज, हमेशा ये जो चीज़ है ना वो आपको बताएगा कि क्या है एक्चुअली। देखो टेलीकॉम वाला है, यूनिकॉम वाला है और नॉर्मल डाउनलोड, आपको नॉर्मल डाउनलोड पे जाना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है, आप अगर जो इसको इंग्लिश में करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश, क्या लिखा हुआ है, द सिस्टम फाइंड्स दैट योर नेटवर्क इज एबनॉर्मल, वेरीफाई एंड डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड नाउ, और इस तरह से ये मेरा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का एक पेज ओपन हो गया। ठीक है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर मैंने डाउनलोड कर रखा है, अब भी इंस्टॉल अगर जो करना चाहते हैं इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर कैसे इंस्टॉल करते हैं। आपके पास अगर जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर नहीं होगा तो यहाँ पर ही एक डाउनलोड, आपने ब्राउज करके इसे कहाँ पर सेव करना है वहाँ ले जाना है। ठीक है, ये ब्राउज पे जाकर ये मैं अपने हिसाब से सेव कर रहा हूँ, आपको भी अपने हिसाब से सेव करना है। ओके, ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर, इसके अंदर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, अभी मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ, ओपन कर लेते हैं, ओपन और सेव, ये इस जगह जाके ही सेव होगा और आप चाहें तो रिमेंबर भी कर सकते हैं, ये इस टाइप की जो फाइल होगी कंप्रेस्ड फाइल कैटेगरी जो होगी वो इसी जगह पे सेव होगी हर बार। स्टार्ट डाउनलोड करना है। ओके, हम ओपन फोल्डर कर लेते हैं, कहाँ पे सेव हुआ है देखना है हमें, तो यहाँ पर सेव हुआ है। ठीक है, RT-809F August 2022, ये नया अपडेट। ओके, इसके अंदर आपको और भी चीज़ें डाउनलोड करनी है जैसे कि टूल चेन। ठीक है, ये सब हम बंद कर लेते हैं, ये इन पेजेस की ज़रूरत नहीं है, इनकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं वो। ओके, तो यहाँ पर अब देखो नीचे टूल चेन है और ये पासवर्ड है। ओके, आपको ये वाला कॉपी पेस्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है पहले कंट्रोल सी करके। ठीक है, और डाउनलोड करना है, अभी हमने कौन क्या चीज़ डाउनलोड की थी, एफ प्रोग्राम ना। ठीक है, हम एफ ही ले रहे हैं अभी और डाउनलोड कर लेते हैं, और यहाँ पर कंट्रोल वी कर लो, जो आपने कोड
था वो। और इसके बाद देखो, अभी मेरे को इंग्लिश में देखना है क्या लिखा हुआ है, तो मैं ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर लेता हूँ। यहाँ लिखा है द फाइल इज़ प्रोटेक्टेड बाई पासवर्ड। आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डाल के कन्फर्म करना है, ठीक है। तो कन्फर्म कर लेते हैं, सबमिट हो गया। और यहाँ पर चार फाइल्स हैं रार फॉर्मेट में, आपको ये चारों चार फाइल्स जो है वो अब डाउनलोड करनी है। तो फर्स्ट हम वन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला नॉर्मल डाउनलोड है, ओके। हमें इसे दबाना है, इसको भी क्लिक करके राइट क्लिक करके कर, हाँ, ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो इंग्लिश में कर देता हूँ, वेरीफाई एंड डाउनलोड, और डाउनलोड नाउ। अब इसे भी मैं ब्राउज कर लेता हूँ और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इसको नाम देता हूँ टूल चेन। ठीक है, टूल चेन, और फिर बाद में ओपन, ओपन, सेव और स्टार्ट डाउनलोड। अब देखो, टूल चेन के जो भी मैं पार्ट्स करूँगा अब वहीं जाके होगा, क्योंकि मैंने चेकबॉक्स दबाया हुआ है, तो वो कैटेगरी की जो फाइल है वहीं जाके सेव होगी। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं ओपन फोल्डर कहाँ पे सेव हुआ है। ये तो टूल चेन के अंदर ही हुआ है, तो अभी नेक्स्ट हम कर लेते हैं वापस, ये सारे बंद कर लेंगे जो अभी काम के नहीं है, ठीक है। अब सेकंड हम चौथा पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन ही लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर या तो आप राइट क्लिक करके ट्रांसलेट दिस पेज कर सकते हो। देखो, ट्रांसलेट टू इंग्लिश नहीं हो पा रहा है, तो आप इतना याद रखो कि ये वाला जो जगह है ये दबाना है आपको, ठीक है। ये लिखा है नॉर्मल डाउनलोड, ये आपका डाउनलोड करना है, वेरीफाई एंड डाउनलोड, ओके, और डाउनलोड। ये हो गया, और ये देखो किस जगह पे है मैं जो सेव कर रहा हूँ, वही जगह है, तो स्टार्ट डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ओपन फोल्डर वहीं हुआ है कि नहीं वो भी देख लेने का एक एक बार, ठीक है। और इसके बाद दोबारा से दूसरा पार्ट हम डाउनलोड करेंगे, थर्ड पार्ट, ठीक है। ये नॉर्मल डाउनलोड लेंगे और इसे ओपन करेंगे, ओपन, और डाउनलोड पे स्टार्ट, और देखो वहीं पे है, तो स्टार्ट डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, अब ओपन फोल्डर करके देख लेते हैं। ये हमारे चार पार्ट हो गए, 1, 3, 4, ठीक है, दो नंबर बाकी है, हम दो नंबर भी अब डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए, अभी ओपन फोल्डर करके देख लेते हैं, ये सारे के सारे जो हमारे ये रार फॉर्मेट में आप देख सकते हैं। इसके लिए भी मेरा एक वीडियो मैं बना दूंगा कि रार फाइल कैसे आप इंस्टॉल करेंगे उसके ऊपर भी, ताकि जिनके पास रार सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये खोल नहीं पाएंगे उस फाइल को, ठीक है। तो ये जितने भी फाइल्स हैं रार आर्चीव फॉर्मेट में है, तो हमने आर्चीव को अनआर्चीव करना है, मतलब कंप्रेस फोल्डर से निकालना इनको बाहर, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करना है, पहले तो आप एक्सट्रैक्ट हियर ही कर लो, ठीक है। सो मोर ऑप्शन, एक मिनट, राइट विन रार।